हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप अच्छी तरह से लाइफ में खुश होंगे और अच्छी तरह होंगे। मैं आपको आज पीले रंग का महत्व बताना चाहती हूँ। गुरुवार को, गुरुवार के दिन के क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, वो सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो गाइस, प्लीज़ आप जरूर कीजिए और देखिए लाइव में। मैं भारती यादव आपका स्वागत करती हूँ और आपके लिए और एक नई टिप्स लेके आई हूँ। गुरुवार के दिन आप हमेशा अपने नहाने के पानी में हल्दी डाल के नहाया कीजिए और बने तो सुबह उठकर हल्दी का थोड़ा सा पानी पिया कीजिए और हल्दी डालकर नहाया कीजिए। और नहाने के बाद में हल्दी का तिलक लगाया कीजिए और देखिए फिर लाइफ में कितना चेंजेस आता है। और घर की गृहिणियाँ हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुवार के दिन आप अपने मेन डोर पर नीचे, उसको कहते हैं रेहली, रेहली पे आप गुरुवार को हल्दी का स्वस्तिक जरूर बनाया कीजिए और देखिए फिर कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। गुरुवार के दिन बने तो हमें आटे के अंदर हमको थोड़ी सी हल्दी डालना चाहिए और अच्छी तरह से वर्क करता है। गुरुवार के दिन हमें चने की दाल दान करनी चाहिए और इससे हमारा गुरुद्वारा मजबूत होता है और हमारी लाइफ के सारे रास्ते खुल जाते हैं। और हमें हमेशा गुरुवार को पीले कपड़े ही धारण करने चाहिए और अच्छी तरह से वर्क होता है। ये पीले कपड़े बहुत हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस देते हैं। पीला रंग जो होता है यह गुरु का रंग है और गुरु का रंग हमें हमेशा तरक्की दिलाता है और हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, गुरुवार को अच्छी तरह से आप गुरुवार के दिन सिर्फ आपको नमक का पोछा मत लगाइए और ना ही किसी जाले होते हैं, ना साफ सफाई किया कीजिए। सिर्फ नॉर्मली पोछा लगाना हो आप लगा सकते हो, बाकी आप गुरुवार के दिन किसी मतलब जाले वाले नहीं उतारने चाहिए। और हल्दी का साथिया जरूर लगाया कीजिए, हो सके तो आप केले के जड़ में दिया रख के आया कीजिए तो भी अच्छा है। गुरुवार के दिन तुलसी पर आप हमें दिया वैसे तो तुलसी पे तो हर रोज हमको दिया लगाना चाहिए, फीका दिया लगाना चाहिए, तो उससे क्या है बहुत अच्छा होता है। मगर गुरुवार के दिन आप हल्दी कंकुश से तुलसी जी की पूजा कीजिए। बुधवार गुरुवार दोनों दिन आप हल्दी से पूजा किया कीजिए कि देखिए आपकी लाइफ में कितना अच्छा सा चेंजेस होता है। गुरुवार को हम बहुत अच्छा, गुरु की महिमा बहुत अच्छी होती है और हमें हमेशा गुरुवार के दिन हमारे गुरुजनों, हमारे वडिलों, उन सबके हमको पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुवार के दिन हमको बहुत ही जागते समय हमें हमेशा हल्दी का तिलक करना चाहिए और कोई पीली वस्तु हमें बाहर कर निकलना चाहिए या फिर हमारा कोई भी इम्पोर्टेंस काम हो तो हमें वह करना चाहिए। गुरुवार बहुत ही अच्छा दिन होता है और उससे हमारे सारे गुरुवार की हमारे गुरु का हमारा मजबूत होता है। गुरुवार को हमें जितना मने उतने पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और पीला तिलक लगाना चाहिए। आप माथे पे तिलक लगाइए, गले पे लगाइए, आप हथेली के इधर भी लगा सकते हैं और इससे आपका बहुत ही अच्छा काम होने लगता है और आपके सारे काम अच्छे होने लगते हैं। मैं मेरे उपायों में कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताती हूँ गाइस कि जिससे आपको पूजा पाठ करनी हो, क्योंकि आजकल की लाइफ में ऐसा हो गया है कि भाग दौड़ है कि हर कोई है ना ये सब नहीं कर पाता है, पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी
मेरे उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, सो आप जाते हुए भी, मतलब जैसे कि आप जॉब पर जाते हो या नौकरी काम पर कोई भी जाते हो, आप आराम से बस हल्दी को थोड़ा सा भिगोइए और गंगा जल डालिए, गंगा जल ना हो तो गुलाब जल डालिए, ना भी हो तो साधारण जल भी डाल सकते हैं, डालकर आप जरूर से तिलक लगाइए। और मैं तो कहती हूँ हल्दी का तिलक आप रोज लगाइए तो भी आपको कोई नुकसान नहीं, इससे आपके गुरु के सारे रास्ते खुल जाएंगे और गुरु तो बहुत बलवान रहे और हमारे गुरु के सारे भी जितने भी प्रॉब्लम होती है गुरु को लेके नहीं, हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं और गुरु की कृपा होने से हमारे बहुत ही अच्छे कार्य होने लगते हैं। सो गाइस, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा गुरुवार को इग्नोर ना किया कीजिए और गुरुवार को किसी से आप कर्जा ना लिया कीजिए, ना लेना ना देना। हमें गुरुवार के दिन ना तो किसी से कुछ लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, इसलिए गुरुवार को हम सिर्फ अपने लिए ही रखना चाहिए। गुरुवार को हमें भगवान बृहस्पति जी हैं उनकी कथा भी सुन सकते हैं या फिर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन सकते हैं करने, बहुत से लोग व्रत भी करते हैं गुरुवार का, गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीला ही खाते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा वार्ता भी करते हैं। सो उससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है और हमारे लाइफ के जितने भी रास्ते बंद होते हैं सब खुल जाते हैं। सो गाइस, आप जितना बने इतना भी गुरुवार को हमारे पीले कपड़े धारण कीजिए, हल्दी का तिलक कीजिए, हल्दी का तिलक आप रोज करिए तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और हमेशा आप आगे बढ़ते रहते हो, सक्सेस आगे ही आगे आपको मिलती है। सो गाइस, में तो आप सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइफ में जितना भी बने आप छोटे छोटे उपाय किया कीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। चाहते हैं दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि हम आगे बढ़े, अच्छी लाइफ जी, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। सो मैं तो आपके लिए छोटे छोटे टिप्स लाती हूँ, आप किया कीजिए, बहुत ही छोटे छोटे नॉर्मली टिप्स है जिसमें आपका एक रुपया भी खर्चा नहीं होता है और बिल्कुल घर में सारी वस्तु मिलती है और उसी से आप अपना सब कुछ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ अच्छी तरह सेट कर सकते हैं। हमें हर मुश्किल का सामना करना ही होता है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी होती है और हम हमेशा चाहेंगे तो हम इसी में से बाहर निकल के आ सकते हैं। और ये सारे उपाय मैं जो आपको बता रही हूँ मैंने सारे अपने लाइफ में सब अपनाए हैं, इसी से मेरे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। सो गाइस, में इसीलिए आप सबके साथ शेयर करती हूँ, मेरे जो भी मेरी जितनी भी थोड़ी छोटी मोटी सक्सेस है, छोटी मोटी ही समझो, अभी तो थोड़ी सक्सेस है, जितनी भी सक्सेस है ये सब मेरे छोटे छोटे उपायों की वजह से है। सो गाइस, मैं आपको इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ आप भी कीजिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और अच्छी तरह अचीव कीजिए, ना होगा बहुत ही जल्दी रिजल्ट देते हैं सारे। तो मैंने तो ये बहुत ही कम टाइम में मैंने सब कुछ इतना हासिल किया है और आगे भी बहुत कुछ हासिल हो रहा है मुझे और मैं आगे बढ़ूँ। मैं इसी तरह के आपके लिए छोटे छोटे उपाय लेकर आती हूँ कि आप भी किए करो और मेरे अनुभव शेयर करती हूँ आपके पास, मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना, आपसे अनुभव शेयर करना। मेरी कोई भी वीडियो से किसी एक जन का भी भला हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। लाइफ तो सबकी होती है मगर कहते हैं ना कि हम किसी एक का भी भला कर पाएँ तो वो हमारे कर्म में जुड़ जाता है। सो गाइस, में तो यही चाहती हूँ कि भगवान मेरे ये छोटे छोटे उपायों से सबका भला हो, वो सबकी लाइफ अच्छी तरह सिक्योर हो जाए और सब इंजॉय करें, सभी अच्छी तरह खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं यही चाहती हूँ सब अच्छी तरह खुशी से रहें, किसी को कोई तकलीफ ना हो, यही मेरी आशा करती हूँ और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। सो गाइस, मैं आप
सबको यही कहती हूँ कि आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, आप कमेंट कभी नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो आप, कमेंट किया कीजिए और कमेंट में कुछ नहीं, कुछ मत लिखा कीजिए, मुझे सिर्फ यही गुरुवार के तो मैं आपको यही कहती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए, जय श्री कृष्ण लिखिए, कुछ भी लिखिए, आप भगवान का नाम लिखिए कमेंट में, बस भगवान का नाम लिखोगे तो वो आपके एक कर्म में भी जुड़ जाएगा और आपको उसका उनका आशीर्वाद मिलेगा। आप जय श्री कृष्ण लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए, जय भोलेनाथ लिखिए, माताजी लिखिए, जय माताजी, आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपको यही कहती हूँ आप भगवान का नाम लिखोगे आपको बहुत ही तरक्की होगी, एक कमेंट करोगे आप तो भगवान के कर आपके कर्म में जुड़ जाएगा और आपने भगवान का नाम लिया है तो वो आपको कभी तकलीफ तो देगा ही नहीं। सो गाइस आप कमेंट में कुछ भी, जय माता जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, आप कुछ भी लिख सकते हैं प्लीज़, पर कमेंट जरूर किया कीजिए। लाइक करना ना करना ही आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और जिस किसी को भी मेरी वीडियो पर ट्रस्ट ना हो तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखा कीजिए, क्योंकि ये तो विश्वास के ऊपर ही चलता है सब कुछ, और मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो करनी है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो हमको थोड़े ऐसा है कि ऊपर से बादल है, ऊपर से बारिश होगी पैसों की, ऐसा कभी नहीं होता है, हमको मेहनत करनी है और मेहनत के लिए हमको उस ऊपर वाले ने जो भी छोटे छोटे उपाय हमको दिए हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, हमारे लाल किताबों में लिखे हैं, वो छोटे छोटे उपाय हमें करने चाहिए ताकि हमारी लाइफ की जो भी परेशानी आए वो सब दूर हो जाए और हम अच्छी तरह उस लाइफ को जी सकें। बस मैं इसीलिए आपको ये छोटे छोटे उपाय बताती हूँ और इसी तरह आप करते जाइए और आप इस तरह से करेंगे सारे उपाय तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, आज मैं बस आपको यही करना चाहती हूँ कि गुरुवार के पीले रंग के ये सारे उपाय जरूर किया कीजिए। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं अभी बीच में वीडियो में बहुत गैप हो गया था, सो गाइस मैं आपको जरूर से रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए और आप देखिए और अच्छी तरह से अपने लाइफ को सुंदर अच्छी तरह स्मूथ बनाइए और आगे बढ़िए। और यही मेरी भगवान से प्रार्थना है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और आगे तरक्की कीजिए। सो गाइस प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।